नमस्कार दोस्तों, मैं निशी बोरा चंपावत की हसीन खूबसूरत वादियों से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आजकल आए हुए हैं बच्चे, तो आपको पता ही है बच्चों में टाइम बिल्कुल मिलता नहीं है। हैं, दो आ गए फिर से। खुशी खुशबू की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ आज ये सूजी का चीला यानी कि डोसा, जिस जो भी कह सकते हैं। और उसके साथ मैं बनाऊँगी मूँगफली की और नारियल की चटनी। मूँगफली मैंने भून ली है, नारियल भी भून लिया है, और इसको मैं इसका छिलका निकाल लेती हूँ और बनाती हूँ नारियल की चटनी और सूजी के चीले। पता, रात ना 1 बजे सोए हैं और अभी देखो 8:30 बज गया है। बिल्कुल मस्त मस्त सोए हैं, लेकिन हमें तो उठना पड़ता है ना। ये देखो, कोई नहीं कहेगा इनसे, ये कितने सीधे मासूम हैं बच्चे। कल रात इन लोगों ने जो 12:30 बजे कह रहे थे कि नानी हमने राहुल का रूम सजा दिया है, तो देखो इस तरह का सजा रखा है इन्होंने राहुल का रूम, ये हालत कर रखी है। अब ये सब समेटना पड़ेगा, समेटो फिर सुबह उठ के फिर वही हाल है। इसमें डाल देंगे हरा धनिया, मूंगफली और नारियल डाल दिया है। इस वाले जार की ना मेरी ब्लेड टूट गई है, मैंने उसमें डाल दिया था। अब डालती हूँ इसमें मैं हरा धनिया और ये कड़ी पत्ता, इसको डाल के पीस लेते हैं। खट्टे के लिए या तो दही डालेंगे या फिर नींबू। तो कड़ी पत्ता धनिया दोनों डालोगे तो टेस्ट, कड़ी पत्ता तो धनिया का टेस्ट दबाएगा नहीं? नहीं, थोड़ा डालूंगी ना धनिया, थोड़ा धनिया उसमें जाएगा ना चीले में। ओके, ये डाल देते हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी और स्वाद के लिए भी। अब ये जो ऊपर ऊपर के है ना तुम, इसको डाल देती हूँ उसमें चटनी में। अच्छा, थोड़ा सा धनिया ना, ये जो इसका ना टेस्ट अलग ही आता है, जो डंठल होते हैं ना चटनी में, कभी भी इसको डालिए। और थोड़ा पानी डाल के पीसेंगे, थोड़ा डालूंगे पानी, थोड़ा डाल देते हैं इसमें नमक। तन्नू कह रही नमक कम ही डालना, हम लोग बहुत कम नमक खाते हैं। और एक मैं हरी मिर्ची तोड़ के डाल दूंगी बस। तो ये ओके, तो ये काफी सारे नींबू हुए हैं, तो मैं इसको ले लेती हूँ। ये तो निकल ही नहीं रहा, बाप रे। ये हर चीज को तोड़ने की ना ट्रिक होती है, इसको मैं खींच रही थी, ये आ ही नहीं रहा था, लेकिन ऐसे आ गया। काफी सारे नींबू हैं और खुशबू भी आ गई तोड़ते। डाल देते हैं नींबू का रस। अब कर दिया तेल गरम, डालते हैं इसमें हम राई। चटनी तैयार। और ये इनो डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था मैंने ये सूजी को, इसमें मैंने नमक डाल रखा था। और देखिए इतना अच्छा बनता है ना, अप्पे भी बहुत अच्छे बनते हैं इसके और चीले भी बहुत अच्छे बनते हैं। बच्चों को भी पसंद है, हमें भी पसंद है। और मैंने थोड़ा सा ना घी ना ज़्यादा डाल दिया था, तो राहुल कहने लगा कि पूरा ना मम्मी ने घी घी में बना दिया है। मेरे हाथ से ना घी ज़्यादा ही डल जाता है, पता नहीं क्या होता है, कितना भी कम करने की कोशिश करती हूँ बढ़ ही जाता है। तो मैं उसे घी है कोई बात नहीं, तो रोहित कह रहा है घी में ना पूरे मम्मी ने ना चोप चोप के बना दिए हैं चीले। और ये बन के तैयार हो गया नाश्ता, बच्चे लोग करने भी लग गए हैं, मैं भी ले आई हूँ। तनु ने तो मेरे लिए अप्पे इतने भर दिए ना इसमें। तुम लोगों को भी चाहिए क्या? लेना है चटनी? चलो अप्पे, बच्चों को भी बहुत पसंद है अप्पे। सॉस के साथ नहीं खाते पापा, चटनी बनाई ना नानी ने, है ना? और पापा ने तो पहले खा लिया। कौन सा बच्चा? मामा देगी थोड़ा सा घी ज्यादा डल गया रोहित, डर नहीं गया दादा। आदत बहुत वो है, ये क्या करते हैं सारे बर्तनों को लाके ना इस तरह से देखो इकट्ठा कर देते हैं। अब ये डब्बे अब्बे हमने धोए थे, इन सबको इन्होंने इस तरह से ही लगा दिया है। जितने भी गिलास बर्तन हैं सब ले आती हैं और उनसे खेलती हैं। फिर आए हैं माल्टा तोड़ने, बड़ी मुश्किलों से पहाड़ों की जिंदगी है। देखिए ऐसा रास्ता हो रहा है, और ये देखिए ये यहाँ पर से आए हैं,
इतनी आसान नहीं होती। और ये केला है, केला दिखाती हूँ मैं भी। ये देखिए मम्मी माल्टे तोड़ रही है, केले का बगीचा हो गया। ये देखिए यहाँ पे केले का कितना बड़े, ये केले की घड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ तो, घड़ी या धड़ी, घड़ी वो दो हैं, दो हैं। और एक यहाँ पे भी आया है, ये भी छोटा है, यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है, कांटे और झाड़ियों के बीच में है कांटों के। और ये देखिए बहुत सारे पेड़ हो गए अब तो, पहले कम थे। और ये है हमारा माल्टा, मतलब बंदरों ने वहीं खा के, बंदरों ने वहीं काट दिया, मुझे सिन्ना भी चुभ गया वहीं खा के। दिव्या पोथी हेले गुच्छा निकल लिया, देखो तो दिव्या ने कितनी प्यारी सी एक पोथी पकड़ी है। अच्छी नहीं हो रही, गोद की दाल बनाई है और भात और ये माल्टा और मूली, और धूप में बैठ के खाते हैं फिर यहाँ पे को भुनी मिर्ची के साथ, है ना टेस्टी हो रहा। आज पहली बार गोद बनाया है ना दाल, मस्त हो रहा। और बनाएंगे गोद भात एक दिन। जैकी सोच रहा मेरे कहीं जा रहे हैं और मुझे छोड़ के जा रहे हैं, सबसे आगे निकल गया। और आज मैंने इनकी देखो प्लेट्स बनाई हैं, टूटू दिखाओ खुशी इधर को मुँह करो, वाह देखो तो अच्छी लग रही है। बनाना कुछ भी आप भी दिखाओ अपनी। अरे बेटा आ जाओ नीचे, मंकी आए ऊपर बहुत सारे, चलो चलते हैं। आओ फिर पहले आओ शूज पहनेंगे, जल्दी आओ। पता है बच्चे आज जिद कर रहे हैं अब दुकान जाने की, तो चलते हैं, मैं उनको भी दुकान लेके जाती हूँ थोड़ी देर, शाम तो हो ही गई है और ठंडा इतना हो रहा है, बच्चे जिद कर रहे हैं, तो पहन लिया हम सब ने जैकेट, तो चलते हैं हम दुकान में। चले जाएंगे दियो लोग भी जाएंगे बेटा, ऐसा नहीं करते है ना, नहीं दिलाएंगे ना दियो को भी, नहीं बाबा नहीं, नहीं मेरा अच्छा बच्चा। चलो यस खुशी को देखो, सबको शेयर करना चाहिए। चलो चलते हैं हम लोग दुकान पे। और आज की कैमरा मैन बनी है दियो, दियो कह रही मैं पकड़ती हूँ फोन, आज पकड़ा है दियो ने, और दियो बिल्कुल बैक टू बैक चल रही है। हाँ कल मैंने पकड़ा था, अब मैं ही पकड़ूंगी थोड़ी देर में। तुमने तो कल ही पकड़ा था। हाँ हाँ ठीक है, दियो को चलो बेटा। दियो के कैमरा में तो बहुत ज्यादा सांस चल रही है दियो की, आजकल के बच्चे हैं भाई इनकी। चलो चलें दुकान में, आओ बेटा आ जाओ, आओ बेटा रहने दो, पकड़ो मत, हाँ आराम से चलो आराम से। हाँ फ्रेंड्स हम आ रहे हैं, चली है। चलो हम वो ले आते हैं, थैली ले आए नीचे से, सामान कहीं में लाएंगे बेटा, थैली भी आता है ना। मैं लेता हूँ पॉपकॉर्न और आइसक्रीम। हाँ हाँ वो सब लेके आ जाएंगे ना उसमें, दुकान को देख के बच्चे कितने खुश हो जाते हैं ना। खुली है दुकान, पहले इनको लगा कि बंद है, कहने लगे खुली है दुकान। चलो चलो हाथी नानी का हाथी पकड़ना है, चलो फिर घुस जाओ। हाँ आइसक्रीम नहीं बेटा, आजकल ठंड है ना। हैं अच्छा कुरकुरा दिलाओ, देख लो डिमांड देख लो खुशी की। और क्या, ठीक है चलो ले। खुद से नहीं लेते बेटा। हाँ चलो इधर आ जाओ, आप इधर खड़े हो जाओ बाबू। अच्छा दियो लोगों को दे दो पास्ता, हाँ दियो को और एक टुन्नू को, हाँ एक एक ले लो। हाँ शाबाश, हाँ क्योंकि रात हो रही है ना, जाएंगे ले लिया ना। हाँ बाय बेटा, क्या ठीक है ठीक है, चलो ले लो। हाँ आइसक्रीम नहीं होती है आजकल ठंड के दिन है बेटा, ले लो वो ले लो वो ले लो। हाँ ये हो गई दो, ठीक है अच्छा इसको लॉलीपॉप चाहिए। अरे खाना नहीं है पता, सब फेंकना। आपको नहीं दिया येलो चाहिए, आइसक्रीम दिला दो चार।
हो गया, हो गया। थैंक यू बोलो मामा को, मामा को थैंक यू बोलो फिर। कौन आइसक्रीम नहीं है बेटा, वो तो कैंडल है। इसको बोल रहे हैं कि कौन आइसक्रीम है, है नहीं है, खत्म है। अच्छा ये खाली डब्बा है, कल लाऊंगा ठीक है, कल लेके आइए मामा, कल को लाऊंगा, कल नहीं है उसमें, उसको लग रहा है ना आइसक्रीम है करके। घर अब देखो ये क्या क्या लेके आए हैं दुकान से, क्या क्या लेके आए हो खुशी? लॉलीपॉप, चलो फिर को नानू की गोद में बैठ के दोनों की दोनों। बेटा ऐसे कैसे खाएंगे नानू, हैं? तो पूरा खा जाऊंगी। अपने अपने चेयर में बैठ जाओ ना, फिर नानू कैसे खाएंगे बताओ। एक चेयर में नानू को भी, अब खाना पीना हो गया हमारा, आपने देख ही लिया था बच्चे कैसे कर रहे थे नानू की गोद में चढ़ने के लिए। और बच्चों को बिठा के आए हैं अंदर, खेल रहे हैं थोड़ी देर। तन्नू और मैं थोड़े चक्कर लगा लेते हैं बाहर, बहुत अच्छा लगता है हमें, बहुत याद आती है यहाँ की। जब मैं अकेले घूमती हूँ ना तो बहुत याद आती है, क्योंकि हम बहुत साथ में घूमते थे यहाँ पे को, और पता है एक एक घंटा घूम लेते थे, पता ही नहीं चलता था टाइम का, गप्पे मारते मारते। ठीक है थोड़ी देर घूमते हैं, और उसके बाद ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो जुकाम भी हुआ है तो, लेकिन ये घूमना नहीं छोड़ते हैं तो घूमते हैं हम लोग। और आप देखिएगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।